रांची मुख्यालय पर जिला कोऑपरेटिव बैंक और बैंक ऑफ इंडिया शाखा के केवल 2 एटीएम हैं। कोऑपरेटिव बैंक का एटीएम पिछले 1.5 माह से बंद होने से नागरिकों को आर्थिक व्यवहार करने में दिक्कतें आ रही है। बैंक ऑफ इंडिया का एकमात्र एटीएम शुरू होने से यहां पर भीड़ उमड़ रही है। पैसे निकालने के लिए लोगों को लंबी कतार में खड़ा रहना पड़ रहा है। खेती के कार्य शुरू होने से किसान भी अब आर्थिक व्यवहार करने के साथ साथ बैंकों में फसल कर्ज लेने के लिए भी आ रहे हैं। ऐसे में दोनों बैंक की शाखाओं में रोजाना भीड़ जुट रही है। कोविड-19 के संदर्भ में अब बैंकों में भी सुरक्षित दूरी रखने के नियम का सख्ती से पालन किया जा रहा है। ऐसे में आर्थिक व्यवहार करने के लिए भी काफी समय लग रहा है। इस पर प्रशासन गंभीरता से ध्यान दे और जिला कोऑपरेटिव बैंक का एटीएम तत्काल शुरू करने की मांग की गई। 2 एटीएम से लोगों को सुविधा होती है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की रोजाना खबरों के लिए यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और गूगल प्ले स्टोर से बीएस क्राइम इंडिया न्यूज ऐप को डाउनलोड कर रोजाना खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।